हाय गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज कमलजीत राणा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच। आज हम शूट करने जा रहे हैं द थर्ड एपिसोड ऑफ द सीरीज हाउ टू बिकम एन एक्टर। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि पहले दो एपिसोड में हमने क्या कवर किया था। पहले एपिसोड में मैंने बात की थी उन कुछ जरूरी पॉइंट्स की जो एक अपकमिंग एक्टर को ध्यान में रखना चाहिए जब वो डिसाइड करता है कि वो बॉम्बे आके एक एक्टर बनना चाहता है। दूसरे एपिसोड में मैंने उन चीज़ों की बात करी थी जो कि एक एक्टर को रोज़मर्रा की लाइफ में बॉम्बे में बहुत ज़रूरी होती हैं, इन टर्म्स ऑफ गिविंग ऑडिशंस या मीटिंग्स में जाने के लिए। अगर आपने ये पहले दो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन दोनों के लिंक डाल दूँ, आप देख सकते हैं। आज के एपिसोड में मैं बात करूँगा अकोमोडेशन की, बात करेंगे उन जगहों की जहाँ पे बॉम्बे में सबसे ज़्यादा ऑडिशंस होते हैं एंड उन जगहों की जहाँ पे मोस्टली एक्टर्स आकर रुकते हैं। जब भी हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि किस जगह पे हमें अकोमोडेशन ढूंढनी चाहिए। तो इस चीज़ का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडिशंस होते हैं। सो इन मुंबई देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अंधेरी वेस्ट, जहाँ पे 90-95% ऑडिशंस होते हैं, वर्क रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, और यही कारण है कि जो लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए वो ये प्रेफर करते हैं कि उनको अंधेरी वेस्ट एरिया में ही घर मिल जाए। अब सबसे बड़ा जो नेगेटिव है अंधेरी वेस्ट में रहने का वो ये है कि अंधेरी वेस्ट में जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी घर जो हैं, उनका रेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको आपका बजट अलाउ करता है कि आप अंधेरी वेस्ट एरिया में अपने लिए एक घर ले सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। तो सबसे पहली जगह एक एक्टर के दिमाग में आती है अगर वो अंधेरी वेस्ट में कोई घर अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो है अंधेरी ईस्ट। सो पहले क्या होता था, अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट तक आने में बाय रोड बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लाइक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लग जाते थे। लेकिन जब से मेट्रो की कनेक्टिविटी हुई है सो अंधेरी ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया है। लोग 5-10 मिनट में अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। सो इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एन अकोमोडेशन इन अंधेरी वेस्ट which is way too expensive, you can definitely find a cheaper accommodation in Andheri East. अब अंधेरी ईस्ट के बाद जो जगह दिमाग में आती है रहने के लिए वो है गोरेगांव। नाउ डिस्टेंस ऑफ गोरेगांव टू अंधेरी वेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 15-30 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। तो अगर आप कंफर्टेबल हो थोड़ा सा ट्रैवल करने में और थोड़ा बजट फ्रेंडली घर ढूंढने में तो गोरेगांव इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब आप गोरेगांव से भी थोड़ा सा और आगे जाओगे तो एक जगह आती है जिसका नाम है मलाट। नाउ मलाड से अंधेरी वेस्ट तक आने में आपको कम से कम नहीं तो 45 मिनट्स to 1 आवर लगेगा। ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मलाड में आपको बहुत ही सस्ते में घर मिल सकता है। तो मलाड के बाद जो हमारे पास एक और ऑप्शन है एक्टर्स के पास रुकने के लिए वो है मड आइलैंड का। अब मड आइलैंड का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी और एक बहुत बड़ा नेगेटिव भी है। तो जो नेगेटिव वो मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव ये है कि अगर आप बाय रोड मड आइलैंड से अंधेरी वेस्ट आते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 2 घंटे लगेंगे अंधेरी वेस्ट तक पहुंचने में। तो पॉजिटिव ये है कि आप मड आइलैंड से अंधेरी वेस्ट सिर्फ 5-10 मिनट में पहुंच सकते हो इफ यू डिसाइड टू कम बाय वाटर। व्हेन आई से कम बाय वाटर इट मींस कि वहां पर पैसेंजर बोट्स चलती है जिनको हम जेटी बोलते हैं एंड उसकी सर्विस बहुत फ्रीक्वेंट होती है। तो अगर आप मड आइलैंड से अंधेरी की तरफ आ रहे हैं या अंधेरी से वापस मड आइलैंड जा रहे हैं तो यू कैन टेक दैट जेटी और आप विद इन 5-10 मिनट्स जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन की। तो सबसे पहला टाइप है रेंटिंग इंडिविजुअली। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो और अगर आप अकेले रहना अफोर्ड कर सकते हो तो देन यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ अकोमोडेशन। दूसरा टाइप है शेयरिंग बेसिस। इस ऑप्शन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सो आप एक घर रेंट पे ले लो। उसके बाद जब आप ऑडिशन देने शुरू करते हो या लोगों से मिलना शुरू करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि अगर किसी और को घर की रिक्वायरमेंट है फिर आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास घर में कितना स्पेस है उनको एज अ पीजी रख सकते हो। तीसरा टाइप है पीजी। अब शेयरिंग बेसिस में आप लोगों को एज अ पीजी रख सकते हो। पीजी ऑप्शन में आप किसी ऐसे इंसान के घर में खुद एज अ पीजी रह सकते हो जिसके घर में पीजी की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे रेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, इंडिविजुअल, शेयरिंग बेसिस, पीजी। वैसे अगर आप ढूंढने पे आओ तो और सस्ता अकोमोडेशन भी मिल जाता है और महंगे अकोमोडेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपसे 1 BHK की बात करूंगा। सो अगर आप एक 1 BHK इंडिविजुअल बेसिस पे लेना चाहते हो इन अंधेरी वेस्ट तो आपका अप्रोक्सीमेट रेंट होगा 35,000 रुपीज पर मंथ और सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा लगभग 1,20,000 रुपए। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके मंथली रेंट पे डिपेंड करता है। इन जनरल सिक्योरिटी डिपॉजिट लगभग 3 महीने के रेंट के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे शेयरिंग बेसिस की। शेयरिंग बेसिस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है।
लेकिन अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट हो तो आप फ्री में भी रह सकते हो। जब आप ऑडिशन देने शुरू करते हो और लोगों से मिलना शुरू करते हो, तब आपको और लोग मिल जाएंगे जो घर ढूंढ रहे हैं, एंड आप उन लोगों को रेंट पे रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 35,000 का आपने एक घर रेंट पे लिया और 1.2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। अब अगर आपको दो लोग मिल जाते हैं जो आपका रूममेट या फ्लैटमेट बनना चाहते हैं, तो आप उन दोनों से 17,000 रेंट ले सकते हैं और 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं। आप बेसिकली अब फ्री में वहां रह रहे हो। अब हम पीजी की बात करेंगे। पीजी टाइप के रेंट की बात करो तो आपको सस्ते में एक अच्छा अकोमोडेशन मिल जाता है। शेयरिंग बेसिस में आप एज अ पीजी किसी को रखते हो, पीजी ऑप्शन में आप एज अ खुद पीजी बनकर मूव इन हो सकते हो। 15K तक के रेंट में आपको अच्छा घर मिल जाएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 1/3 देना होगा, या डिपेंडिंग अपॉन कि आप जहां मूव इन हो रहे हो वहां कितने लोग ऑलरेडी रहते हैं। अब अगर आप मूव करते हैं अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट, तो आपका जो रेंट है वो 10-20% कम हो जाता है। अंधेरी वेस्ट से गोरेगांव की तरफ मूव करते हो तो आपका रेंट 20-30% कम हो जाता है। वैसे ही अंधेरी वेस्ट से मलाड की तरफ मूव करते हो तो 20-40% कम हो जाता है। और अगर मैं मड की बात करूं तो मड में आपका जो रेंट है वो 30-50% कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड एन अकोमोडेशन की। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, इजी लेकिन एक्सपेंसिव ऑप्शन है, वो है ब्रोकर का। आप किसी भी ब्रोकर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एरिया वाइज सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे ब्रोकर्स के नंबर मिल जाएंगे। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ब्रोकर की जो फीस होती है वो 1 मंथ का रेंट होती है। तो बेसिकली फर्स्ट मंथ का रेंट ओनर को तो देना है, प्लस आपको ब्रोकर को भी 1 मंथ का रेंट देना होता है एज हिज फीस। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रोकर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपका टाइम बच जाता है, एंड आगे जाके रेंट अपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू या कोई भी क्वेरी होती है तो ब्रोकर विल हेल्प यू विद इट। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड एप्स। मेरी नॉलेज में जितनी भी वेबसाइट्स या एप्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मेंशन कर दूंगा। आप लोग वहां से एरिया वाइज इजीली सर्च कर सकते हो अकोमोडेशन के लिए। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ब्रोकर की फीस बचाई जा सकती है। थर्ड ऑप्शन है फेसबुक पेजेस। इस ऑप्शन से भी ब्रोकर की फीस बच सकती है। पीपल पुट अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग अकोमोडेशन ऑन फेसबुक पेजेस। बस आपको क्या करना है कि उन पेजेस को आपको फॉलो करना है और रेगुलरली उन पेजेस को चेक करते रहना है अपडेट्स के लिए। जैसे ही आपको कोई रिक्वायरमेंट मिले आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, एंड अगर आप दोनों को सूट करता है तो यू कैन ईजिली मूव इन। जितने भी फेसबुक पेजेस की नॉलेज मुझे है अकोमोडेशन से रिलेटेड, मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। सो ये सारी चीजें थी जो मैं इस एपिसोड में कवर करना चाह रहा था, जिससे कि आपको ये हेल्प हो सके कि अगर आप बॉम्बे आते तो आपको कहाँ रहना चाहिए, कहाँ पे आपको कितना इकोनॉमिकल पड़ेगा, कहाँ पे चीप अकोमोडेशन मिल सकती है आपको, कहाँ पे सारे ऑडिशंस होते हैं। नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड। आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज उन्हें कमेंट्स में लिख दीजिएगा, एंड आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।